मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस में संगठन जो चुनाव होने हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होती नजर आएगी। तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो पार्टी में लगातार बड़े स्तर पर फेरबदल कर रही है। इसके साथ ही साथ पार्टी में कुछ जिम्मेदारियां ऐसे नेताओं को दी जा रही है जो पार्टी को आगे लेकर जाए, जो पार्टी को बेहतर बना सके। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि सितंबर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी, जी हाँ, चुनाव होता नजर आएगा। एक पैनल बैठेगी जिसमें तय किया जाएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में लगातार बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं। ये भी खबर सामने आई कि 1 मई को जो है वहां भी जो है चुनाव होते नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर। तो चुनावी समितियों की अगर हम बात करें तो वो बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं, पार्टी में नेताओं को सोच समझ कर जिम्मेदारी दी जा रही है, इसका साफ मतलब ये है कि कांग्रेस अब तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस जिस तरह आगे बढ़ रही है इसे देखकर सत्ता पक्ष की नींद उड़ी हुई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।